वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज हम देखेंगे कि अगर किसी भी क्लाइंट की 26 क्यूबी फाइल करने के बाद कोई डिमांड आती है तो वो जो डिमांड है वो किस तरीके से पे की जाएगी, किस तरीके से उसका चालान बनाया जाएगा। देखिए 26 क्यूबी फॉर्म जो हम प्रॉपर्टी बाय करते हैं उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने से रिलेटेड होता है। उस फॉर्म में अगर किसी भी पर्सन की डिमांड आ जाती है तो वो ऑनलाइन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पे ही पे की जाएगी। ठीक है, पे करने के लिए आपको ई फाइल पे आना है। यहाँ आने के बाद ई पे टैक्सेस पे आप क्लिक करेंगे। क्लियर, ई पे टैक्सेस पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। इसके बाद यहाँ देखिए राइट हैंड साइड पे एक ऑप्शन दिया हुआ है न्यू पेमेंट, न्यू पेमेंट पे हमने क्लिक किया। उसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ राइट हैंड साइड पे आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा डिमांड पेमेंट फॉर टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी। यहाँ से आपने प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद देखिए पैन बायर का ऑटोमेटिकली आ जाएगा, पैन जो है सेलर का आपको यहाँ पे एंटर करना है। सेलर का पैन आपको कहाँ से मिलेगा, जो आपने 26 क्यूबी फाइल किया होगा उसकी स्टेटमेंट में से भी आपको इसका पैन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपने इसका पैन देख लेना है, पैन कॉपी नहीं होगा, आपको अपने हाथ से पैन एंटर करना पड़ेगा। ये पैन हमने यहाँ लिख दिया। एक्नोलेजमेंट नंबर आपको डाल देनी है। एक्नोलेजमेंट नंबर भी किसकी होगी, इसी स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट के सबसे ऊपर आपको एक्नोलेजमेंट नंबर मिल जाएगा, नंबर हमने एंटर कर दिया। किस असेसमेंट ईयर में आपने प्रॉपर्टी सेल की है, हमारे केस में 24-25 है, आप अकॉर्डिंगली इसमें अपना असेसमेंट ईयर एंटर कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, इंटीमेशन रेफरेंस नंबर डालना है, जो आपके पास डिमांड निकल करके आई है उसका रेफरेंस नंबर आप यहां दे देंगे। जो डिमांड आई है उसका हमने रेफरेंस नंबर यहाँ डाल दिया। आपके केसेस में कितने टैक्सेस इंटरेस्ट पेनल्टी है वो यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, जो डिमांड नोटिस के अंदर। अब यहाँ पे आपने क्या लिखना है कि एज पर डिमांड आपका कितना इंटरेस्ट प्रिंसिपल टैक्स या फिर पेनल्टी निकल करके आई है और आप उसमें से पे कितना कर रहे हैं वो आपने यहाँ लिखना है। जितना निकल करके आया है एज पर इंटीमेशन वो यहाँ देंगे और यहाँ पे जितना आपने पे कर दिया। इस केस में क्लाइंट पूरी की पूरी डिमांड पे कर रहा है तो हमने इक्वल अमाउंट्स डाल दी। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जिस बैंक से आप पे करना चाहते हैं वो बैंक पे क्लिक कीजिए, कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। आईडी पासवर्ड डाल के जो भी है आप अपना डिमांड जो है यहाँ से पे कर सकते हैं। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।